चुनाव पे आप गए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है? सरकार अच्छी है ना, वो अच्छी इसलिए है कि अब वो मकानों के लिए पैसे दे रहा है 2.5-2.5 लाख, फिर 5-5 वसूल करेगा, टैक्स में वसूल कर, भाई देखो करेगा तो नहीं, नहीं नहीं देखो वो दे रहा, अपने पल्ले दे नहीं रहा। हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार हैं मालूम। एक बात बताइए आप, नहीं वो अपने पल्ले से दे रहा क्या? मंत्री बना, पद बना, जनता ही ने बनाया है ना, है कोई पैदा सोच तो नहीं, अगर जनता ना करे तो वो क्या हो? तो अब तो यहाँ तो जनता की देखो ना, ये आधा इधर खोद कर रखे, आधा उधर खोद कर रखा, साला कोई गिर गुरु या घुस जा तो ये राज बताइए, 2.5 लाख दे रहा है, 5 लाख वसूल करेगा, इसके पीछे का क्या कारण? अरे तो कुछ टैक्स वैक्स बढ़ाएगा नहीं, महंगाई नहीं बढ़ाएगा? महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ रही है। अब बढ़ा तो दिया उसने, क्या सस्ता किया? दाल चावल जो सब्जी जो पेट के लिए वो तो सस्ती करना थी ना, वो नहीं तो वहाँ कहाँ रही सब्जी, कहाँ की है दाल चावल सब्जी? ये सस्ता किया नहीं किया? नहीं। सस्ता वो किया है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो आप, 35 लाख की ले लो आप सस्ती आधी रेट में, वो सस्ता कर। एक आम आदमी को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे ले पाएगा? वही तो सवाल है। इस बार क्या देखते हैं? बुजुर्ग हैं, काफी लंबे समय से राजनीति का अनुभव भी रहा, देखते आए हैं, दिग्विजय का भी युग आप लोगों ने देखा होगा, बाबूलाल गौर का भी युग देखा होगा, शिवराज का भी देख रहे हैं, देखा सब, लेकिन क्या है हम इतनी बात नहीं जानते, हमारे साहब का जो कहना हम दरा देखो, दारूखोरी लड़ाई झगड़ा, एक मिनट पुजारी जी, पंडित जी, दारूखोरी लड़ाई झगड़ा दूतादाई गाली शब्द बेते जे हमने नहीं सीखी, हमारे साहब ने बोला अच्छी मीठी बोली बोला करे, कोई अगर गाली भी दे ले तो दे ले दिया, सादा जीवन अच्छी विचार, बस बस यही हमारे। तो इस बार किस मध्य प्रदेश में सरकार बदलती हुए दिख रही है कि सरकार देखो सरकार जैसे है वैसे ही चलती रहे? नहीं नहीं, हाँ बट सरकार चलेगी उसी की आएगी, शिवराज क्योंकि इस समय जनता पागल है मालूम, जो कभी 1000 ईंट नहीं मंगवा सकता रहा है, जो 1000 ईंट नहीं मंगवा सकता रहा, आज भी 1 मंजिला बिल्डिंग पर रहा है ना, लेटरिंग कोई बनवा सकता रहा, आज वो लेटरिंग बढ़िया टाज मार्बल में रह रहा, वो तो भैया मोदी जी तो रहे ही रहे, क्योंकि जितना मतलब वो कर रहे हैं कैदक से ज्यादा, तो ये एक अच्छी चीज है और इसकी वजह से फिर से सरकार, हाँ भाई आई वो तो कांग्रेस क्यों हारती जा रही है दिग्विजय सिंह के बाद? नहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश बिल्कुल गायब सी हो गई, कांग्रेस नहीं हारती, उनके उनके जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं की वजह से, कलेक्टर SP आदेश देगा पुलिस के, ठीक है ना, कि भाई देखो तुम मतलब SP साहब हर थाने में वायलेंस करता है, कि यार थोड़ा ध्यान रखा करे, थोड़ी मोबाइल बैंड घुमाते रहा करे, कहीं लड़ाई ना हो, कहीं चोरी ना हो, कहीं ना मतलब ये दंड पंड ना हो, लेकिन वो जाते कहाँ पुलिस वाले बताओ, वो तो कहते लड़त रहे हो मरो साले, हमें 5000 तो लड़ो, समझे ना, ये तो भैया ये जो है ना हम बता रहे, देखो विकास जो करेगा जनता के हित में जो रहेगा वो तो जीतेगा। तो पहले जब मान लीजिए पहले ये सारी चीजें व्यवसाय पे, इंदिरा गांधी के राज में बिल्कुल ठीक ठाक था, वो ये योजना इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल भी लगा दिया था, नहीं नहीं अरे ये योजना उसी ने तो निकाली, अच्छा इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना तो वही है, ये सब ब्रज की योजना उसी ने निकाली है, निकाली उसी ने, ये सब वो उसी की निकाली हुई है, ब्रज बन रहा है हमारे भेड़ाघाट में और ये अपने ये वो बनेंगे, ये सब उसी की निकाली हुई है, ये तो इनको क्या भाई पद मिली है, तो अब ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं उसमें, हाँ दोनों है, मुख्य अतिथि तो वही है, शुरुआत करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, हाँ मुख्य अतिथि वही है।